नमस्कार, मैं हूं धर्मेंद्र। आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज इंडिया। योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पश्चिम बंगाल में जाकर के कहते हैं विधानसभा चुनाव के दौरान कि हम पश्चिम बंगाल को उत्तर प्रदेश बना देंगे, यूपी बना देंगे। लेकिन यूपी बन पाया, बंगाल नहीं बन पाया, वो बंगाल के लोगों ने बता दिया। किस तरह से बीजेपी वहां पर सुपड़ा साफ हो गया, ये आपने देखा। लेकिन योगी आदित्यनाथ जब बंगाल गए तो बंगाल उनको इतना पसंद आ गया कि वहां से बंगाल की फोटो चोरी करके ले आए और वो फोटो चिपका दी। वो फोटो यहां पर अखबारों में चिपका दी और बता दिया कि देखिए उत्तर प्रदेश में हमने इतना विकास किया है। बंगाल से फोटो चोरी करके लेके आते हैं और बंगाल से फोटो चोरी करके लेके आके उत्तर प्रदेश के लोगों को बहकाने का काम कर रहे हैं। ये चल रहा है उत्तर प्रदेश में। इस तरह से उत्तर प्रदेश को नंबर वन बताया जा रहा है। प्रचार की सरकार है, प्रचार पर टिकी हुई है और प्रचार भी झूठा। हकीकत में तो उसका कितना मिलेगा, जो प्रचार में जो तस्वीरें दिख रही हैं उसका हकीकत तो कितना होगा, लेकिन उसका प्रचार भी झूठा है। अब ये खबर देखिए और ये विज्ञापन छपा है द इंडियन एक्सप्रेस में। ये विज्ञापन छपा है, बड़ा अखबार है अंग्रेजी का इंडियन एक्सप्रेस, और उसके अंदर जो है ये विज्ञापन छपा है। और इसमें ये देख रहे हैं आप, बड़ी एक योगी आदित्यनाथ की एक फोटो कह लीजिए, इसको प्रतिमा कह लीजिए, योगी आदित्यनाथ का मुस्कुराता हुआ चेहरा है। और नीचे जो एलिवेटेड रोड आपको दिखाई दे रहा है, ये एलिवेटेड रोड कलकत्ता का है। ये जो पीले रंग की टैक्सीज पर आपको नजर आ रही है, ये भी कलकत्ता की है। और इसके बगल में जो बहुमंजिला होटल आपको नजर आ रहा है, ये भी कलकत्ता का है। सब कुछ कलकत्ता से चोरी करके ले आए। और उसके साथ में जो इंडस्ट्री आपको नजर आ रही है, वो इंडस्ट्री भारत की ही नहीं है, भारत के बाहर की है। अब आप बताइए कि कैसा विकास है। कभी ये पकड़े जाते हैं ब्रजेश चौधरी के नाम पर, कभी किसी के नाम पर, कभी किसी को SDO बना रहे, कभी किसी को कुछ बना रहे हैं, झूठी वीडियो इनकी पकड़ी जाती है। और अब ये जो पोस्टर है ये पकड़ा गया। इस खबर को आप अंत तक देखिए, आपको पता चलेगा कि योगी आदित्यनाथ ने कैसे फर्जीवाड़ा किया है और उनके ऊपर क्या कार्रवाई होनी चाहिए। क्योंकि अगर ऐसी कोई तस्वीर किसी और ने पोस्ट कर दी होती तो अभी तक ना जाने उस पर क्या कार्रवाई हो जाती, उसके ऊपर कितना बड़ा मानहानि का मुकदमा ठोक देते। लेकिन खुद योगी आदित्यनाथ की सरकार ने जो है इस तस्वीर को पोस्ट किया है। अभी देखिए इसको लेकर के, ये सबसे पहले आपको दिखाते हैं, ये आप देखिए, ये द टाइम्स ऑफ इंडिया की खबर है, द टाइम्स ऑफ इंडिया की खबर है। और जो एलिवेटेड रोड उस तस्वीर में दिखाया गया है, उस तस्वीर में दिखाया हुआ ये एलिवेटेड रोड जो है वो कलकत्ता का है। और ये द टाइम्स ऑफ इंडिया की खबर है, माँ फ्लाईओवर कलकत्ता हाइट बार टू बी इंस्टॉल्ड ऑन 6 अप रैंप्स। तो ये जो है वो कलकत्ता की एलिवेटेड रोड है। ये एलिवेटेड रोड जो है वो उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ ने दिखा दिया। और यही जो है अब किस तरह से इसको लेकर के उनके ऊपर लोग जो है तंज कस रहे हैं। और द टाइम्स ऑफ इंडिया की ये दूसरी तस्वीर भी आप देख लीजिए, उसमें भी सेम जो है ये दिखाया गया है। तो किस तरह से फर्जीवाड़ा किया है योगी आदित्यनाथ की सरकार ने, सबके सामने आ गया है। ये खबर आप देखिए, ऑनलाइन न्यूज इंडिया की खबर है, उत्तर प्रदेश के सरकार के द्वारा इंडियन एक्सप्रेस अखबार में छपे विज्ञापन में दिखाई गई तस्वीरों में कलकत्ता का माँ फ्लाईओवर और ट्यूनिशिया देश की कंपनी HSE विजन की तस्वीरें हैं। तो ये तस्वीरें पूरी तरह से साफ हो गई है कि कहां से ली गई है। लेकिन अब इसको लेकर के इंडियन एक्सप्रेस अखबार सामने आया, योगी आदित्यनाथ की सरकार को सामने आकर के माफी मांगनी चाहिए थी, लेकिन इंडियन एक्सप्रेस अखबार जो है वो सामने आता है और इंडियन एक्सप्रेस अखबार की तरफ से ट्वीट किया जाता है। ये ट्वीट करके कहते हैं कि हमने एक गलत फोटो जो है वो लगा दी है, उसके लिए माफी मांगते हैं और यहां पर जो है ये एरर हो गया, इसलिए हमने फोटो हटा ली है। अब यहां पर दो सवाल उठते हैं। एक सवाल ये उठता है कि ये जो विज्ञापन है, क्या इंडियन एक्सप्रेस की टीम ने तैयार किया था या ये विज्ञापन जो है वो योगी आदित्यनाथ की सरकार के द्वारा भेजा गया था। अगर योगी आदित्यनाथ की सरकार के द्वारा भेजा गया था तो इंडियन एक्सप्रेस की टीम जो है अखबार, वो उस पर माफी क्यों मांग रहे हैं। और दूसरा सवाल ये है कि अगर इंडियन एक्सप्रेस अखबार ने इस फोटो को लगाया है तो इतना बड़ा अखबार वो इतनी छोटी सी गलती कैसे कर सकता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर इंडियन एक्सप्रेस अखबार ने इसको विज्ञापन को तैयार किया है तो कोई ना कोई एडिटर बैठा होगा उसके लिए, और एडिटर में इतना भी दिमाग ना हो ये बात जो है वो हजम होते हुए दिखाई नहीं देती है। और इसीलिए लोग जो है अब उन पर चुटकी भी ले रहे हैं। प्रोफेसर राम गोपाल यादव है और उन्होंने लिखा है, योगी जी अब तक अखिलेश यादव द्वारा किए गए कामों का ही फीता काट रहे थे, लेकिन झूठे प्रचार की पराकाष्ठा हो गई। जब प्रचार की योगी जी की भूख ने ममता बनर्जी के एक फ्लाईओवर को ही यूपी का दिखा दिया और इंडियन एक्सप्रेस के एक पूरे पेज ने उसे विज्ञापन के रूप में अपना प्रदर्शित कर दिया, तो किस तरह से जो है वो योगी आदित्यनाथ ने पूरा घालमेल किया आपके सामने है। और ये आप देखिए, समाजवादी पार्टी ने भी इसको लेकर के हमला बोला है।
मुख्यमंत्री के झूठ की पोल खुल गई। विज्ञापनों में जनता का पैसा पानी की तरह बहाने वालों के पास में दिखाने के लिए अपना बनाया हुआ कोई काम नहीं है तो कोलकाता में हुए निर्माण की तस्वीरें छापकर जनता को गुमराह कर रहे हैं, शर्मनाक है। यह झूठ बोलने में भाजपा नंबर वन सरकार है जिसके दिन बचे हैं चार। तो ये समाजवादी पार्टी की तरफ से हमला बोला गया है। संजय सिंह ने इसको लेकर के लिखा है, ऐसा विकास ने सुना होगा न देखा होगा, कलकत्ता का फ्लाईओवर खींचकर लखनऊ ले आए हमारे सीएम योगी आदित्यनाथ जी, भले ही विज्ञापन में ले आए हो लेकिन ले तो आए। तो ये इस तरह से तंज कसा जा रहा है। ध्रुव राठी ने भी ट्वीट किया है, फ्रंट पेज एड ऑफ अजय सिंह बिस्ट, पिक्चर ऑफ डेवलपमेंट स्टोलन फ्रॉम वेस्ट बंगाल। तो किस तरह से वेस्ट बंगाल से तस्वीरें जो है चोरी करके ले आए हैं। सूर्य प्रताप सिंह ने लिखा है कि योगी आदित्यनाथ जी ने बदलते उत्तर प्रदेश पर एक विज्ञापन दिया, मजेदार बात यह है कि विज्ञापन में अपनी बनाई हुई एक रोड की तस्वीर भी नहीं लगा सके तो उन्होंने कलकत्ता के माँ फ्लाईओवर की तस्वीरें उठाकर चिपका दी। अब रोड बेचारी दुर्गेश तो नहीं जो झूठ बोले मुझे योगी जी ने बनाया है। तो रोहिणी सिंह ने लिखा है, कलकत्ता की सड़कें चुराई ठीक है, कलकत्ता की बिल्डिंग भी चुराई ठीक है, पर योगी जी ने विज्ञापन में पीली टैक्सी तक हटाना भूल गए। तो ये पीली टैक्सी जिक्र हमने किया है, तो आप ये बताइए कि कैसे जो है ये फर्जीवाड़ा चल रहा है। और आप ये बताइए विज्ञापनों में इतना फर्जीवाड़ा है, विज्ञापनों के अंदर इतनी धांधलेबाजी है, तो जो काम किया होगा वो कैसा होगा और वो कहां तक किया होगा। वो लिखा है, अब इसको देख करके अदम गोंडवी साहब की वो लाइनें याद आती हैं कि तुम्हारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है मगर ये आंकड़े झूठे हैं, ये दावे किताबी है। तो पूरी तरह से झूठे आंकड़े आपको दिए जा रहे हैं कि हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया। आप ये बताइए 5 किलो अनाज में लोगों को ऐसे कह रहे कि पता नहीं जैसे 5 किलो उनको जो है काजू बादाम दे रहे हो, 5 किलो अनाज दे रहे हैं और उसमें भी जो अनाज निकल रहा है वो अनाज भी कैसे खराब निकल रहा है। तो सारे जो दावे किए जा रहे हैं उन दावों की सच्चाई अगर कोई सही से दिखा दे तो पता चल जाएगा। ये तो सच्चाई जो है गलती से सामने आ गई, वरना सोचिए कि किस तरह से जो फर्जीवाड़ा किया जा रहा है वो कभी आपके सामने नहीं आ पाएगा। और अगर कभी सरकार बदल गई और किसी दूसरी सरकार ने अगर इसकी जांच करवा दी कि कहां कहां पर विज्ञापन के नाम पर क्या क्या फर्जीवाड़ा किया गया, तो सोचिए हालत क्या होगी। हालत ये होगी कि जो आज कुर्सी पर बैठे हैं जिनको लगता है कि हम कुर्सी से कभी उतरेंगे नहीं, वो पता नहीं कहां बैठे मिलेंगे आपको। इसलिए जो है योगी आदित्यनाथ की टीम को जो है इस पर विचार करना चाहिए, क्योंकि अभी भी 6 महीने इलेक्शन में करीब करीब बाकी हैं और अगर इसी टीम के साथ में वो काम करते रहे तो निश्चित तौर पर उनको हराने के लिए विरोधियों की जरूरत नहीं होगी, उनके अपने ही काफी हैं। और ये भी आप सोच करके देख लीजिए कि पैसा कितने पानी की तरह से बहाया जा रहा है कि जहां पर कोई हिसाब ही नहीं किसी चीज का। छाप दो आप, कुछ भी छाप दो, कुछ भी दिखा दो, लेकिन जो जितना बड़ा छापेगा, जो जितना ज्यादा दिखाएगा उसको उतना ज्यादा पैसा मिलेगा। जब एक भंडारा लगता है ना गांव में, कहीं आपने देखा होगा, शहरों में आपने देखा होगा भंडारा लगता है, तो उस भंडारे में कोई हिसाब नहीं रखता है फिर कि कौन क्या ले गया कौन क्या नहीं ले गया। वैसे ही भंडारा लगा हुआ है, भंडारा लगा हुआ है विज्ञापनों का, सरकारी विज्ञापनों का। ठेले जाओ आप, करोड़ों करोड़ों रुपए के सरकारी विज्ञापन दिए जा रहे हैं और वो विज्ञापन किस तरह से छप रहे हैं, कौन छाप रहा है, क्या छाप रहा है, कोई उसका जो है वो खैर खबर नहीं है। और जब वो छप करके बाहर आ रहा है तब पता चल रहा है। और द इंडियन एक्सप्रेस अखबार जो है अगर वो इस तरह की गलती कर रहा है तो फिर सोच करके देख लीजिए गोदी मीडिया में क्या कुछ चलता होगा और जो छोटे लोकल अखबार है वहां पर वो क्या कुछ दिखा रहे होंगे, छोटे चैनलों पर जो है वो किस तरह का विज्ञापन जो है वो दिलाए जा रहे होंगे, दिखाए जा रहे होंगे, वो सब आप देख लीजिए। बहरहाल इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए ताकि लोगों तक सच पहुंचे, लोगों तक यह जानकारी पहुंचे कि कैसे योगी आदित्यनाथ की सरकार विज्ञापन के नाम पर फर्जीवाड़ा कर रही है। इस खबर को लेकर, इस वीडियो को लेकर आपकी जो भी राय हो नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडेक्स सब्सक्राइब करें, साथ में जो बेल आइकन है घंटी उसको जरूर दबाएं ताकि जैसे कि वीडियो अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।